नमः शिवाय। सावन मास रविवार पूर्णिमा तिथि पूरे दिन शाम 5:25 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में दिन में 12:25 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, हिम्मती, मजबूत हृदय वाले, ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुशल और दृढ़ निश्चयी बने रहते हैं। अस्पष्ट बोलने वाले, स्वतंत्र और मौलिक निर्णय लेने वाले, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, पुरानी वस्तुओं तथा कलाकृतियों के प्रेमी, आत्मविश्वासी और अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, राहु और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राष्ट्र स्वामी शनि देव हैं। जिन जिन जातकों के कारक ग्रह मंगल, सूर्य और बृहस्पति होंगे, उनके लिए दोपहर तक का समय शुभ कारक होगा, मगर दोपहर बाद चंद्रमा के शतभिषा नक्षत्र में जाने से भ्रम की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने का संकेत भी मिलता है। साथ ही पूरे दिन मिला जुला फल मिलता रहेगा। आज इस पवित्र महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा है। इस दिन रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सामान्यतया सुबह से लेकर शाम 5:25 तक बना रहेगा, जिसमें सबसे अच्छा मुहूर्त चंद्रमा के धनिष्ठा नक्षत्र में रहने तक माना जा सकता है। तत्पश्चात शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि राहु का नक्षत्र है। अतः ऐसे जातक जिनके लिए राहु योग कारक ग्रह हैं, वो शतभिषा नक्षत्र में भी रक्षाबंधन करवा सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी उन्नति और सहयोग बना रहेगा। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और हर काम के प्रति सफल निर्णय लेने का प्रतिशत बढ़ा रहेगा, मगर दोपहर बाद मानसिक स्तर पर अनावश्यक चिंता, घबराहट, बेचैनी और कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता और अपने सामान के प्रति सावधानी अपेक्षित है। हालांकि साझेदारी लाभदायक रहेगी, मगर वित्तीय लेन देन में परेशानी महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। नसों से संबंधित दिक्कतों के साथ ही साथ पेट से संबंधित दिक्कतें हैं और मौसम से होने वाले संक्रमण का अंदेशा बनता है। हालांकि आय संबंधी मामलों में प्रयास जारी रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी, मगर व्यावसायिक स्तर पर उतार चढ़ाव संभावित है। कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। हालांकि विभागीय सहयोग बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। ठीक ढंग से चलते हुए कामों में अचानक बाधा भी संभावित है। आर्थिक लाभ आपके कार्य क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और धार्मिक यात्रा का योग बनता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में मौसम संबंधी, आँखों के संक्रमण और त्वचा से संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और कार्य क्षेत्र के प्रति सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। अचानक आर्थिक लाभ संभव है। आपके प्रयासों में सरकारी कामकाज और रुके हुए काम संपन्न होंगे। किसी महिला के द्वारा लाभ की संभावना भी बनती है, मगर वित्तीय लेन देन के साथ ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। धार्मिक भावना बलवती होगी और आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक प्रयास सफल रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता, कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक लाभ, आत्मिक संतुष्टि, आर्थिक लाभ के नए अवसर और साथ ही साथ पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस होगी, मगर दोपहर के बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के साथ साथ व्यावसायिक सावधानियां, संबंधित मामलों में वाद विवाद और कार्यों में रुकावट के साथ ही विरोधियों से साजिश की संभावना और चोट लगने का संकेत भी मिलता है। वाहन सावधानी से चलाएं और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र में लगे रहें।
हालांकि अधिकारियों की सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और आपसी सामंजस्य बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए पेट संबंधी जटिलताओं के साथ साथ नसों से संबंधित दिक्कतें संभावित हैं। हालांकि सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में विकास और कर्मचारियों से सहयोग मिलता रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आपका ऊर्जा स्तर और दृढ़ इच्छा शक्ति नई कार्ययोजनाओं के लिए मदद करेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर भ्रम की स्थिति दोपहर बाद आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सावधानी अपेक्षित है। साझेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अपने सामान के प्रति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे और आत्मविश्वास बना रहेगा, मगर दोपहर बाद की स्थिति में हर काम करने के प्रति नकारात्मक विचारों का पैदा होना, निर्णय लेने में उतार चढ़ाव, आर्थिक लाभ में कमी और मौसम संबंधी संक्रमण से होने वाले खतरों का संकेत देता है। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज में सहयोग बना रहेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक व मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक प्रयासों में उचित दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। भविष्य की योजनाओं के प्रति निजी निवेश की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी समारोह में सम्मानित किए जाएंगे, मगर दोपहर बाद कार्य क्षेत्र में कूटनीतिक पहलुओं पर दिमाग केंद्रित होगा। भ्रम की स्थिति के साथ आत्मविश्वास प्रभावित होगा। कार्य योजनाओं में वाद विवाद को टालने की कोशिश करें। हालांकि आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र में मिसाल कायम करेंगे और प्रयासों का दौर दोपहर तक सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करेगा, मगर दोपहर बाद की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और मन में नकारात्मक विचारों के उठने का अंदेशा बनता है। काम करने में उत्साह और इच्छा शक्ति की कमी संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की प्रतियोगी भावना बरकरार रहेगी और विरोधियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। प्रयास जारी रखें। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्यशैली में सुधार और रचनात्मक सक्रियता हर काम में सफलता दिलाएगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अतिरिक्त आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर अति आत्मविश्वास से पहल करने की प्रवृत्ति प्रभावित होगी। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। प्रयासों में बल मिलेगा। अधूरे पड़े काम पूरे होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ संभव है। व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उचित मार्गदर्शन की प्रेरणा मिलती रहेगी। मकर राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा। अधिकारियों का सहयोग और सरकारी कामकाज में सफलता की उम्मीद बनती है। प्रतियोगी भावना विकसित होगी और नई कार्ययोजनाओं में आपका उत्साह व दृढ़ इच्छा शक्ति लाभ दिलाएगी। निजी और घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर दोपहर के बाद का समय निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंधों में गलतफहमी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें।
कुंभ राशि के जातकों को दोपहर तक का समय सावधानी भरा होना चाहिए, मगर दोपहर बाद पराक्रम बढ़ा रहेगा। प्रयासों में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ की मनोवृत्ति बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ का संकेत मिलता है, मगर संबंधित कामों में महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। भाग्यवश कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मीन राशि के जातकों के लिए दोपहर तक का समय धन संबंधी मामलों में सुधार के साथ साथ खर्च की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी। हालांकि रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति आज के दिन साथ देंगे और नई कार्य योजनाएं लागू हो सकती हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। साझेदारी के मामले लाभदायक सिद्ध होंगे, मगर दोपहर बाद की नकारात्मकता और उत्साहहीनता को दूर रखें। आपके हर काम संपन्न होंगे, साथ ही साथ कार्य योजनाओं में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, मगर विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। प्रयास जारी रखें और यात्रा के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।